केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और प्यार भरा सलाम। आज हम लोग यहाँ मैसूर ओल्ड एज होम में उपस्थित हैं। आज इस मौके पर ओल्ड एज होम में डॉक्टर शाजिया अपना जन्मदिन इन ओल्ड एज होम के लोगों के साथ मना रही हैं, जिनके लिए एक मेडिकल कैंप रखी गई थी। हमारे साथ यहाँ वो उपस्थित हैं, आइए अब हम उनसे बात करें। मैडम, केवी न्यूज़ की ओर से आपको जन्मदिन की बधाई देते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक डॉक्टर भी हैं, एक समाज सेवक भी हैं, कोविड के मौके पर भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, समाज को अपना वक्त दिया। आज आपका जन्मदिन है, आपको क्या ऐसी बात सोची कि आप जो है इस ओल्ड एज होम में आकर इन लोगों की खिदमत करते हुए अपना जन्मदिन मनाया? एक्चुअली क्या है, बिल्कुल बोले तो आप सब जानते हैं कि सोशल सर्विस मुझे बहुत पसंद है पहले से ही। तो अभी एक पॉलिटिक्स में होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते मैं हमेशा सर्विस करना पसंद करती हूँ। फ्री मेडिकल कैंप करना मुझे मेरा एक पेशा जैसा हो गया है और एक पैशन हो गया मेरे लिए कि गरीब लोगों की मैं मदद कर सकूँ, उनके मैं काम कर सकूँ, उनकी दुआएँ दे सक मुझे मिल सकें। तो आज मेरे जन्मदिन पर मैं जहाँ जैसे लास्ट ईयर मैंने ऑर्फनेजेस से स्टार्ट किया था, तो इस साल मैंने सोचा कि ओल्ड एज होम से मैं ये एक अच्छा काम शुरू करूँगी। और जन्मदिन के दिन बड़ों का जो बड़ों की दुआएं जो और उनके जो वेल विशिंग जो होता है, गुड विशेस, वो बहुत मेन अहम होता है, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके थ्रू आज अगर मेरा दिन मैं शुरू करूँगी तो हर साल और आगे की ज़िंदगी भी दुआओं से भरी रहेगी ऑब्वियसली। मैडम, एक डॉक्टर हैं और एक समाज सेवक भी हैं और एक जो है आप इतना वक्त कैसे निकाल लेती हैं अपनी सियासत की? सियासत के लिए मैं फुल टाइम तो नहीं निकाल पाती, लेकिन जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है पार्टी के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ मैं करती हूँ। लेकिन पार्टी भी यही कहती है कि लोगों की मदद करो, समाज सेवा करो लोगों का। अभी चाहे गवर्नमेंट किसी की बिना है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस है, हर गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो सके। तो मैं तो समाज सेवा करती ही हूँ, अभी अगर पॉलिटिकली भी अगर हो सकता है तो ये अच्छी बात है। वैसे आने वाले दिनों में अपना पॉलिटिकल स्टेप क्या है? आज मैंने कभी पॉलिटिशियन बनना या फिर पॉलिटिक्स में आना मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी जो है कि एक सोशल एक्टिविस्ट थी और एक डॉक्टर थी तो सर्विस देना पसंद करती थी, तो सर्विस देती आ रही हूँ, आगे देखेंगे आगे चल के जो भी किस्मत में लिखा होगा। आपके इस जन्मदिन के मौके पर हम यहाँ ये बैनर देख रहे हैं जो माता हॉस्पिटल के नाम से है, इसके बारे में हमारे को आप जानकारी दें। माता हॉस्पिटल जो है पहले जो लता नर्सिंग होम के नाम से उदयगिरी में था, उस हॉस्पिटल को अभी टेक ओवर किया है हम लोगों ने। तो मेरे साथ डॉक्टर चंदन बल्लाल करके हमारे कोलीग हैं, तो हम लोग ये हॉस्पिटल स्टार्ट किए हैं। अभी और भी जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ टीम में मौजूद हैं। और ये क्या है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें सारी फैसिलिटीज दी जाएगी और लोएस्ट प्राइस भी दी जाएगी। और हमारा मानना ये है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जिस तरह से बिल फाड़ी जा रही है, जो एक छोटा सा छोटे से ट्रीटमेंट लिए भी जाएंगे तो हज़ारों लाखों बिल आएगी, तो गरीब लोगों का बहुत मुश्किल है। जैसे कि उन लोगों का अभी एसएससी कार्ड भी नहीं है, सिर्फ बीपीएल कार्ड है, नहीं तो फिर और कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसे लोग जो हैं अभी मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को भी बहुत परेशानी है, तो अगर ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे 1-1.5 लाख सर्जरी है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, वही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को हम अपनी हॉस्पिटल में बुलाकर यही सर्जरी हम उनको 50% 40% डिस्काउंट में करके दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो इसी राय से हमने ये स्टार्ट किया है। कभी शुरू हुई मोस्टली अभी आई सी यू का काम ऑलमोस्ट फिनिशिंग में है, वेंटिलेटर्स आना बाकी है, तो मोस्टली एक 15-20 डेज विद इन वन मंथ तो इसका लाभ लोग ले सकते जी। थैंक यू। ये इसका लाभ सिर्फ मैसूर के लोग ही नहीं, बैंगलोर से मैंगलोर पुत्तूर और पता नहीं और बहुत सारे टेन बेडेड आई सी यू का आ रहा है, तो टोटली हो गए 15 बेडेड होगा। जी सर, आप भी इस माता हॉस्पिटल से जुड़े हुए जी,
क्या बताना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो ये बताइए कि मैडम के आज जन्मदिन के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होता है मैडम ऐसा पॉलिटिकल भी कर रही है, काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर सभी सिंह फील्ड में आगे जा रहे थे। हमारा क्या नाम नाम ही बोलते हैं माता हॉस्पिटल, माता भी मालूम होता है ना कितना केयर कर लेते हैं, ऐसे 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 माता पेशेंट को आता है तो सेम केयर लेता है, कम में अच्छा अच्छा डॉक्टर आता है। तो आपका कहने का मतलब है एक माँ जैसा केयर लेती है उसी तरीके का केयर जो है इस अस्पताल में मिलता है जी। नाम क्या? मेरा नाम नासिर कुरैशी। नासिर कुरैशी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैसूर के। मैसूर के, यहाँ ओल्ड एज होम में कब से हैं? मैं ओल्ड एज होम में आके 20 दिन हुए। 20 दिन हुए तो आज आपको यहाँ मेडिकल चेकअप किया गया क्या? हाँ किया गया। अच्छे तरीके से आपको अच्छा आप यहाँ पे जो आकर मेडिकल चेकअप करें उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैडम भी आके बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। आज मैडम का जन्मदिन था इस मौके पर जो है उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। क्या है? अब्दुल रहमान शरीफ। अब्दुल रहमान शरीफ, आप कान के रहने वाले? मैं चंपल नागी गली में 70 साल की गली से मैसूर में। मैसूर में है जी। आपकी उम्र क्या है? 84 ईयर्स। आप सर्विस में थे क्या? नहीं, मैं अगरबत्ती का व्यापार करता था। अगरबत्ती का व्यापार करते थे। तो यहाँ ओल्ड एज होम में कितने दिनों से हैं आप? अभी यहाँ से मैं तीन महीनों से ही। तो यहाँ पे आपका कैसा देखभाल कैसा हो रही है? अच्छा हो रहा है। खाने पीने से? खाने पीने क्या भी तकलीफ नहीं। पहनने ओढ़ने से? अच्छा सब क्या बात, कोई तकलीफ नहीं है, कोई चीज़ की तकलीफ। तो आज यहाँ पे मेडिकल कैंप की गई है तो वो मेडिकल कैंप में आपको भी चेकअप किया गया क्या? करें ना। आपका नाम बताओ? मेरा नाम शेख मोहम्मद नज़ीर। शेख मोहम्मद नज़ीर, कहाँ के रहने वाले आप? हम बॉम्बे में थे पहले जी, जवानी बॉम्बे में गुजरी, जवानी मैरिज इधर किया मैसेज रखा, वहाँ से अभी तक हम इतनी चेक कर। ओल्ड एज होम में कैसा है? हमारा एक फ्रेंड्स है एनआर मोलन एल जुबैल होटल, वहाँ हमारा एक फ्रेंड्स दोस्ती हुआ वो हमको यहाँ लगे थे। अच्छा, क्या काम करते थे आप? हम 25 साल से कुछ नहीं करता। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ कुछ नहीं है, अभी हमको 3 साल से पेट में और सीने में दुखता है। तो यहाँ पे आज एक डॉक्टर मैडम का बर्थडे हुआ, इस मौके पर जो है यहाँ पे कैंप लगाई गई थी, आपको यहाँ पे चेकअप किया गया क्या? चेकअप हमारा ब्लड प्रेशर चेक जी। आपको देखा गया? देखा जी। आप यहाँ पे कितने दिनों से बताए आपको? 70 डेज हो गया। तो 70 डेज में या ओल्ड एज होम में आपको कोई चीज़ की कमी महसूस हुई? नहीं, कुछ नहीं। कोई चीज़ की कमी नहीं, तो कपड़ा खाना आपको जो है सब मिल रहा है और पाक भी है, कोई गिलाजत भी नहीं है यहाँ पे? वो मैडम जो थे सर, मैडम जो थे और हॉस्पिटल में वर्क करते हैं व्यक्ति में, मैडम वो समाज सेवे जोतेगे और हुट्टू हब्बद शुभाशयू को ತುಂಬ ಅವರು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದು ಬಂದು ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂತಂದ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಜೋನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. बहुत शुक्रिया सर आपका कि एक फ़ोन कॉल से पूछ रहे थे यहाँ पे एक माहौल क्रिएट करने के वास्ते आप एक अपॉर्चुनिटी दिए यहाँ को, बहुत सारे आपके जो
मतलब पेशेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको सब अच्छे से हमें चेकअप करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ही सब जगह जो भी हैं हमारे हाथ से जो भी हो सकता है मैं ट्रीटमेंट देखो ही होगा और आगे भी एवरी मंथ वंस इन अ मंथ अपनी हॉस्पिटल से एक मंथली कैंप देना होगा हमें एक मशवरा कर ले को ही उनके बैक टू यू बोल दिस और थैंक यू सो मच कि आप एक अपॉर्चुनिटी दिए कहीं भी आप जा सकते हैं लेकिन आप इतना प्रेफर करें जरा कला में अब नेक्स्ट जो भी करना है साथ में मेरे को कुछ करें जिससे लोगों की फ्लाई हो सके ओपन पुस्तक एल बेको ಹಂಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ